आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई साहब, गोवर्धन पूजा भी गांव में होती है? गांव में गोबर तो मिल जाता है, शहर में गोवर्धन पूजा करोगे ना तो भगवान कसम करा ऐसी बदबू तो उसमें से भी नहीं आती, कोठी में से जैसी गोबर में से आती है। क्यों? गांव की भैंस या गाय खाती है घास, और यहाँ की रोटी खाती है भाई। बच्चा कुछ लोग अपना डाल देते हैं वो रोटी खाती है तो क्या मिलेगा? वही मिलेगा, कोटी मैं लेके आया, ये रखा है। कहाँ रखा है अमृत? कहाँ रख दिया अमृत? ने फेंक भी दिया। अरे यार, कुछ तो दिखाना ही था। अब भैया हमने तो क्या किया, यहाँ पे थोड़ा रख दिया गोवर्धन के लिए, और ये तस्वीर बना दी है प्रभु जी की। बनाई है ये मैडम ने बनाई है। मुझे मिल गया गोबर, दिखाओ। इधर आओ, किधर ले उठा के? चलो भाई देख लेते हैं कहाँ रखा है इसने। गोबर में से ऐसी जैसी गंदी नाली में से नहीं, गटर में से आती है ना। इधर आ जा, सही में ये लोग गोवर्धन पूजा का ही है। मैं भैया करो, लेकिन गांव में गोवर्धन पूजा अलग होती है और शहर में होती है अलग। अब ये देख लो, हम पूज ही रहे हैं, गोबर नहीं मिला तो हम क्या करें बताओ। हमने तो ऐसे तस्वीर बना दी और हम यही तो पूजा कर लेंगे। क्या है ये? तो हम तो पूजा कर रहे हैं ऐसे। यार अनाया, तूने क्या काम कर दिया? बस तेरी बदतमीजी सबके सामने जाएगी। तेरी मैडम भी देखेगी ब्लॉग। तेरी मैडम भी देखेगी ब्लॉग, ध्यान रखना। हमने तो ये तैयारी करी है अपने गोवर्धन पूजा की। दिखा देता हूँ क्या क्या व्यंजन बनाए हैं हमने इनके लिए। ये बनाया है हमने इनके लिए, ये सब बनाया है गोवर्धन पूजा हम भी कर रहे हैं, और आप आराम से खुशी से बनाइए। अमृत कहाँ चला गया? गोवर्धन पूजा क्यों मनाई जाती है, थोड़ा कमेंट। गोवर्धन पूजा क्यों मनाई जाती है हमें भी अच्छी तरह से पता चल जाएगी। गोवर्धन पूजा क्यों मनाई जाती है? मुझे तो यही पता है कि गोवर्धन पूजा इसलिए मनाई जाती है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने जब इंद्र भगवान ज़्यादा ही रुष्ट हो गए थे और मथुरा में बहुत ज़्यादा बारिश की थी, तो वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत जो होता है आपको पता ही होगा, उनको अपने एक नाखून ये वाली कन की उंगली पर उठा लिया था और सारे मथुरा भगवान की रक्षा की थी भारी बारिश से ताकि वे डूब ना जाए। थोड़ा ऊंचा स्थान है क्योंकि हमने परिक्रमा की है इसलिए हमें पता है। ये थोड़ा सा मुझे जितना पता है मुझे आपको बता दिया है। आप थोड़े बहुत नॉलेज हो इस बारे में, थोड़ा मेरी बता दीजिएगा कि कैसे पूजा ये आरंभ हुई है। चलिए अभी तैयारी कर, दिए जला रहे हैं, ये देखिए तैयारी कर ली है पूरी। अब दिए जलाते हैं नॉर्थ इंडिया में कैसे होती है। जहाँ कहीं भी ये वीडियो जाएगी उन्हें पता होना चाहिए कि गोवर्धन पूजा क्यों होती है। शायद उन्हें हिंदी थोड़ा बहुत तो मालूम होगी, इसलिए मैं ये वीडियो हिंदी में ही बना रहा हूँ। फिलहाल मैं हिंदी में ही वीडियो बनाता हूँ। गोवर्धन पूजा का महत्व, गोवर्धन पूजा में ये होता है कि अपने घर के सारे लप्पू से यूट्यूब थोड़ा ही है यार, तुम लोग मेरी बेइज्जती करवा रहे हो यार। तुम लोग सब्सक्राइब कर दिया करो, मिलियन पहुंच जाए तो मेरा बेटा ये नहीं बोलेगा कि यूट्यूब बनाते हो। कान्हा जी आ गए हैं साथ में, कान्हा जी को बैठा दिया है विराजमान हैं। कान्हा जी कान्हा जी के अगर कान्हा जी ले रखे हैं तो कान्हा जी के साथ में पूजा करनी है।
ये सरसों का तेल है, इसी से दिया जलाएंगे क्योंकि सरसों के तेल से ही जलाते हैं। Uh-huh.